हमने एक स्पीच एनालिटिका करके इस्तेमाल किया था, जिसमें आपका स्पीच हो या प्रधानमंत्री का स्पीच हो उसका हम एनालिसिस करते हैं 2014 में किस पर स्पीच दिया था और अभी किस पर स्पीच दिया था। अगर इतना सारा डेटा आपके पास है तो क्यों महाराष्ट्र में जो स्पीच हो रहे हैं उसमें बालाकोट स्ट्राइक की बात की जा रही है, हिंदू आतंकवाद की बात की जा रही है, क्यों नहीं जो अचीवमेंट्स हैं वो सामने रखिए और उस पर वोट क्यों नहीं दे रहे? ये सीधा विपक्ष का भी आरोप है। पहली बात से बिल्कुल बिल्कुल डोंट वरी, मैं उसका जवाब दूंगा जी। विपक्ष को बड़ा करारा जवाब है इसमें। पहली बात तो ये है, हम पहले बात रखते हैं हमने क्या किया है, कितने घर बांधे, कितने शौचालय बांधे, कितने लोगों को हमने जॉब्स दिए, कितने लोगों को उज्ज्वला में हमने गैस दिए, कितने लोगों को हमने मुद्रा में लोन दिए, ये सारी बातें रखते हैं। उसके बाद बालाकोट की बात रखते, क्यों नहीं रखेंगे मुझे बताइए। अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि जम्मू कश्मीर से हम लोग सेना कम करेंगे, अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि जो स्पेशल पावर्स है वो हम निकाल देंगे, अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है 124A सेडिशन हम समाप्त कर देंगे, क्यों नहीं इस पर बात होगी? ये क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? योगी जी देश का चुनाव है, जी कहते हैं मोदी सेना है देश। नहीं नहीं नहीं, इस पे इस पे इस पे थोड़ा सेलेक्टिव कोटिंग है। कांग्रेस का डेटा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम आर्म फोर्सेस से कंसल्टेशन में करेंगे, तो क्या मुझे बताइए कौन सा कंसल्टेशन आर्म फोर्सेस की मांग है? मांग है आर्म फोर्सेस की? सर वो अभी पावर में नहीं है, वो आएंगे पूछेंगे। नहीं उनकी मांग है क्या बताइए? आर्म फोर्सेस की मांग है क्या? यानी लोग हमारे देश में घुसे, हमारे सैनिकों को मारे और ये कहे उन क्यों सिंपति है भाई? क्यों पत्थर मारने वालों के साथ सिंपति है? क्यों ऐसे लोगों के साथ आप यहाँ पर बात कर रहे हो जो पत्थर मार रहे हैं? उनकी सिंपति क्यों? आपके साथ आप सरकार में रहे 3 साल तक, आपके साल तक आप सरकार में रहे, इसीलिए रहे कि उनको हमने प्रयास कर लिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में रखने का। पर जिस दिन ये ध्यान में आया कि पत्थरबाजों के साथ है, हमने सत्ता को ठोकर मारी। अभी अलायंस की बात निकली है तो महाराष्ट्र के अलायंस की बात करना तो जरूरी है, क्योंकि एक जगह पे तो अलायंस फेल हो गया, महाराष्ट्र में भी अलायंस फेल ही हुआ था। अब मेरे ख्याल से रियलिटी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को समझ में आई कि साथ में नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएंगे। मुझे दो सवाल इस पे पूछने। एक, आपके पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में आए थे, लातूर में आपकी सभा हुई थी, वहां पर शिवसेना को धमकी दी गई कि अगर साथ में नहीं आएंगे तो कुचल देंगे। क्या शिवसेना आपकी धमकी से डरी है या आपके समझाने से उनको समझ में आ गया कि साथ में नहीं आएंगे तो दोनों की दिक्कतें बढ़ जाएगी? पहली बात तो यह है कि हमारा अलायंस कभी फेल ही नहीं हुआ। इसका कारण यह है, 5 साल हम लोगों ने महाराष्ट्र में साथ में सरकार चलाई, सरकार टूटी नहीं, डिफरेंसेस थे, दो अलग अलग पार्टियां हैं, डिफरेंसेस तो रहेंगे सर। हर बात पे डिफरेंस? नहीं, हर बात पे नहीं है सर, हर बात पे डिफरेंस। और ऐसा है, आप लोगों का प्रॉब्लम यह है, हमने 100 में से 99 निर्णय साथ में लिए। सर आपने ऐसा क्या जादू किया, मुझे आप बताइए, आपने ऐसा क्या जादू किया कि उद्धव ठाकरे कल तक जो बोल रहे थे कि मैं सत्ता को ठोकर मार दूंगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपका मुझे भाषण याद है कि उद्धव ठाकरे का भाषण याने क्या होता है, आपने कुछ 10-15 वर्ड बताए थे और आपने बड़ा शानदार भाषण किया था उसमें, तो क्या आपने ऐसा किया कि आपका उनका पूरा ये बदल गया? पिछले 4 सालों में एक वाकया बताइए, एक वाकया जहाँ मैंने ये कहा कि हम अलग लड़ेंगे, एक वाकया? आप लोग तो हमेशा कहते रहे ये अलग लड़ेंगे, ये फॉलिंग अपार्ट और ये सारी अलायंस खत्म हो रही है। हमने नहीं, उन्होंने कहा था ना, सुनिए ना, शिवसेना ने रिजोल्यूशन पास किया था। मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आप परसेप्शन पे मत जाइए, ये हम साथ में ही लड़ने वाले, हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, ये मैंने हर बार 4 साल कहा। देखिए सीधी बात ये है, मजबूरी है, नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल रियलिटी होती है। ठीक है, अब मैं अगले ठाकरे पे आना चाहता हूँ। हम लोग कोल्हापुर में थे, हम एक रैली देखने गए, जबरदस्त क्राउड आ रहा है रैली में, कैंडिडेट कोई स्टेज पर है नहीं, पर निशाना सिर्फ मोदी जी पर है और प्रेजेंटेशन के साथ पूछ रहे हैं कि भाई ये कहा था मोदी जी ने और आज क्या हो रहा है? ऐसा क्या हुआ कि आप एक ठाकरे को तो मना लिए, दूसरे ठाकरे को मना नहीं पाए मोदी जी के और आपके हाथ धो के पीछे पड़े हैं वो? देखिए उनकी परिस्थिति ऐसी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, उनको कोई साथ लेने को तैयार नहीं है। पहले अलायंस में आना चाहते थे, अलायंस में आने साथ नहीं, उनके साथ।